चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने सचिवालय तक किया पैदल मार्च। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है जयपुर से। बीजेपी ने सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला है। भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस बल की भी भारी संख्या में यहां तैनाती कर दी गई है। तो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर होना भी लाजमी है। शक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, यह आक्रोश इस बात का है। युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, आज गांव में बैठा मेरा भाई, मेरे बहन, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और परीक्षा देने आने के बाद उनको लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए उसके अरमानों पर, उसके कैसे सपने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। ये गुस्सा इस बात का है कि राजस्थान में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कांड हुए और सचिवालय में करोड़ों रुपया मिल जाना और वहां मिलना जहां के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, जिस विभाग में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, किस अधिकारी को सोने के बिस्किट पसंद है, कौन अधिकारी है पूरा स्कैंडल चला रहा है, किसका उनको आशीर्वाद प्राप्त है, किसकी सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है। ये आक्रोश इसी बात का लग रहा है कि राजस्थान में राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं।